नमस्कार, दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है वर्तमान में पूरा विश्व जहां हम कह सकते हैं कि कोरोना के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है वहीं सीमा पर चीन के साथ भी तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं और इसी समय केंद्र सरकार के का भी जो दूसरा टर्म है उसका एक वर्ष पूरा हुआ है मोदी टू का एक वर्ष अभी हाल ही में पूरा हुआ है केंद्र सरकार का एक वर्ष और वर्तमान स्थितियाँ इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर सतीश जी पूनिया पूनिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है डॉक्टर सतीश पूनिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं इनसे चर्चा करेंगे हम तमाम विषयों पर केंद्र सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियां कोरोना के खिलाफ किस प्रकार से केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम सामाजिक संगठनों ने किस प्रकार से काम किया है किस प्रकार से इस समय राजनीति की दशा और दिशा बदल रही है पुनिया जी सबसे पहले आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी मोदी सरकार का एक वर्ष पूरा हुआ है मोदी सरकार की एक प्रकार से हम कह सकते हैं दूसरी पारी है ये मोदी वन और मोदी टू किस प्रकार से अंतर देखते हैं देखिए बहुत लंबे समय बाद जनता पार्टी 77 1977 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ उसके बाद नब्बे के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो राजनीतिक तौर पर 77 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी और उसके बाद जब वाजपेयी जी बने जब ये कहा गया कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी ने जो शुरुआत की देश में सुशासन और विकास इस आधार पर वो आगे चले और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी में चौदह में क्योंकि देश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया बहुत सारे ऐसे मुद्दे और मसले थे एक दल को बहुत लंबे अरसे तक जनता ने अवसर दिया पचपन वर्षों का तो एक बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ मोदी वन जो काबिज हुए प्रधानमंत्री मोदी जी तो लोग अक्सर चर्चा करते थे गुजरात मॉडल की गुजरात मॉडल यानी गुजरात का संपन्नता उसकी विकसित होने की नीति नवाचार ये सब चीजें तो भारत की जनता ने उनमें वो विलक्षण ताकत देखी और इसलिए भ्रष्टाचार अराजकता इन सब के खिलाफ लोगों ने एक बड़ा जनादेश मोदी जी को दिया और स्वाभाविक तौर पर कि उनके व्यक्तित्व के पीछे और खासतौर पर पूरी दुनिया में जब राष्ट्रवाद का एक मंत्र के साथ लोग आगे चल रहे थे तो भारत के लोगों ने भी राष्ट्रवाद को अपनाया इसलिए मोदी वन जो था मोदी जी ने बहुत जमीनी तौर पर उन चीजों को देखा जो पचपन वर्षों में हुई नहीं उदाहरण के तौर पर जनधन की चर्चा होती है यानी किसी व्यक्ति का बैंक का खाता नहीं होना ये विडम्बना थी इतने बड़े लोकतंत्र में मैं यदि और आगे जाऊं तो शौचालय नब्बे लाख शौचालय बने हैं अड़तीस करोड़ जनधन के खाते खुले हैं तो जैसे एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम सौ रुपए बेचते हैं और पंद्रह पैसा सौ पैसे बेचते हैं पंद्रह पैसा पहुंचता है इसका मतलब यह था कि बीच में लीकेज होती थी लेकिन जनधन ने वो सारे करप्शन पर अंकुश लगाया इसी तरीके से आवास इसी तरीके से उज्ज्वला तो जो बुनियादी विकास का काम था स्वच्छ भारत मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहां से शुरुआत की प्रधानमंत्री जी ने तो देश के समक्ष जो बुनियादी विकास के मुद्दे थे वो मोदी वन में चौदह से उन्नीस तक ये लोगों ने देखा है आ, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो देश के स्वाभिमान से ताल्लुक रखते थे सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक जिससे देश के लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ सेना का मनोबल बढ़ा सेना को आधुनिक तरीके से सुसज्जित किया वन रैंक वन पेंशन ऐसे बहुत सारे मसले थे मैं कहूंगा तो एक लंबी फहरिस्त होगी लेकिन बुनियादी मुद्दों से लेकर स्वाभिमान के मुद्दों तक मोदी वन में ये सारा काम हुआ मोदी टू जो है उसमें हम देखते हैं कि जो वास्तविक रूप से जो वैचारिक मुद्दे थे देश के उदाहरण के तौर पर सत्तर वर्षों से और सदियों से आंदोलन चल रहा था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने दुनिया के सारे दोस्त देश जो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं इबादत करते हैं कोई पैगंबर को मानता है कोई ईसा मसीह को मानता है भारत के आराध्य देव थे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो पूरे देश की निगाह थी कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने और वो भले ही उच्चतम न्यायालय ले के लेकिन सरकार की एक तरीके की नीति के कारण उसको संबल मिला और आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की शुरुआत हो गई संयोग था कि 26 मई 2014 को मोदी जी ने शपथ ली और 26 मई 2020 में शिलान्यास हुआ ऐसे ही मोदी टू में जो बड़ा काम हुआ नागरिकता संशोधन कानून अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो विस्थापित हिंदू थे जो विभाजन के बाद का दूसरा बड़ा मसला था कि उनके साथ बड़े अत्याचार हुए आज वो इज्जत के साथ भारत के नागरिक बनेंगे मुस्लिम महिलाओं में ट्रिपल तलाक एक बड़ा मुद्दा था आ, कश्मीर में अनुच्छेद 370 और आज संयोग है कि कश्मीर में आज पहले नागरिक को आ, बाहर के किसी व्यक्ति को पहली बार नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला है उसको वहां का डोमिसाइल मिला है तो कुल मिलाकर ये सारे ऐसे मुद्दे थे जो मोदी टू में हुए इसलिए मोदी वन बुनियादी विकास के लिए और मोदी मोदी वैचारिक मुद्दों के समाधान के समाधान लिए तो पुनिया जी क्या ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मोदी वन सरकार थी जनधन खाते खोले गए उज्ज्वला योजना आई शौचालय बनाए गए प्रधानमंत्री जन आवास की चर्चा हुई तो मूल रूप से ये कहा जा सकता है मोदी वन में विकास के लिए एक आधारभूत ढांचा तैयार किया गया और मोदी टू जैसे ही दोबारा सरकार बनती है तो तुरंत नागरिकता संशोधन की भी बात होती है अनुच्छेद तीन सत्तर पैंतीस ए की भी बात होती है राम मंदिर के विषय में भी आपने बताया क्या वास्तव में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन कोर इश्यूज को, को लेकर जिन मुद्दों को लेकर अनेक वर्षों तक सड़कों पर संघर्ष करती रही उन स्वप्न को पूरा करने का क्या ये समय आ गया है हाँ निश्चित रूप से मुझे अच्छे से ध्यान है कि विद्यार्थी काल में रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे जी. तो विरोधी उपहास करते थे कि लेकिन तारीख नहीं बताएंगे आज तारीख भी बता दी और मंदिर का निर्माण शुरू हो गया ऐसे ही हम लोग नारे लगाते थे जब जम्मू जाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और तेईस जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की पुण्यतिथि थी मैं गौरवान्वित हूँ कि जनसंघ के एजेंडे को और सरदार पटेल सरीखे अमित शाह जी के गृह मंत्री काल में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर की समस्या का इस रूप में बड़ा समाधान हुआ इसलिए स्वाभाविक तौर पर इन सब मुद्दों से देश में एक गौरव की अनुभूति हुई और जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी के जो वैचारिक राष्ट्रवादी मुद्दे थे उनका समाधान हुआ जी, तो सतीश जी क्या ये भी कहा जा सकता है कि अभी तो इस समय चलो कोरोना का दौर चल रहा है राम मंदिर और 370 ये विषय हो गए क्या जब स्थितियां कुछ स्थितियां कुछ कुछ सामान्य होंगी होंगी ठीक तो क्या देश की जनता को समान नागरिक संहिता के बारे में भी कुछ बड़ा निर्णय सुनने को मिल सकता है देखिए क्योंकि ये मुद्दे भी ऐसे थे जिसपे लगातार लोग विरोध करते आ रहे थे और उस राम मंदिर के बारे में आर्टिकल थ्री के बारे में पैंतीस ए के बारे में नागरिकता संशोधन कानून के बारे में पर उनका जो विरोध था वो तर्कसंगत और जायज नहीं था उनका विरोध केवल अपीजमेंट के कारण था तुष्टिकरण के कारण था मुझे लगता है कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां सब लोग इज्जत और मान सम्मान के साथ रहते हैं जिनको यहां स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति का जीवन का रोजगार का सब अधिकार है इबादत का ऐसे में भारत की जो एक कुल मिलाकर सभी धर्मों को सर्वधर्म संभाव जी। लेकिन सर्वधर्म संभाव के बीच में लोगों के बीच में कदाचित इन मुद्दों की चर्चा जरूर होती है कि एक इस तरीके की एक नागरिकों की एक यूनिफॉर्म कोड हो जिसके आधार पर लोगों में भेद नहीं हो जी। जैसे मैंने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया तो इस 21वीं शताब्दी में भी वो मुस्लिम महिलाएं उस ट्रिपल तलाक के दंश का शिकार होती थी और अपना जीवन किसी इसी जिल्लत के साथ जीती थी लेकिन आज उनको जिस तरीके से आजादी की सांस मिली है उनको इज्जत मिली है उसी तरीके से ये भी उस सुधार का एक कदम है कि सबके लिए एक जैसी संहिता होगी कॉमन सिविल कोड होगा तो मुझे लगता है कि वो सबके हित में ही होगा इसमें किसी में न भेद होगा न किसी तरीके का भेदभाव होगा मुझे लगता है कि उस दिशा में देश में चर्चा शुरू हुई है Uh, सतीश जी मोदी वन में एक शब्द बार बार में सुनाई देता था मेड इन इंडिया और अभी कुछ दिनों से दूसरा शब्द आ गया है आत्मनिर्भर भारत और यदि हम इसकी भी थोड़ी सी और विवेचना करते हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान में आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस एकात्म मानव दर्शन में स्वावलंबी भारत की बात करते हैं स्वावलंबी गांव की बात करते हैं क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं क्या वहीं से दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन से प्रेरणा मिल रही है देखिए हमारे जो खासतौर पर दो बड़े महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मैं यदि उनको नजदीक से देखूं तो उनके विचारों में एक साम्यता है बापू भी ग्राम स्वराज्य की स्वावलंबन की स्वदेशी की बात करते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की बात करते हैं ग्राम स्वराज्य की स्वावलंबन की स्वदेशी की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी का भी लगभग जो दृष्टिकोण है उसी से मेल खाता है क्योंकि उनकी जो नीतियां थी उन्होंने जिस तरीके से जिस तरीके का भारत देखा और सोचा था इसलिए वैचारिक साम्यता महात्मा गांधी जी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी में थी इनकी नीतियों के मिश्रण को प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन के तौर पर अपने दृष्टिकोण के तौर पर पेश किया है और दीनदयाल जी कहते थे कि स्वदेशी को युगानुकूल और विदेशी को स्वदेशानुकूल जो बदलाव आया उसमें ऐसा लगता था कि मुगलों के अंग्रेजों के आक्रमण के बाद जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भारत एक बड़ा व्या, व्यापार का केंद्र बना बड़ा कंज्यूमर मार्केट बना और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर कंज्यूमर मार्केट है लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारे छोटे उद्योग धंधे थे कुटीर उद्योग धंधे थे जिनमें स्किल थी हुनर था धीरे धीरे वो चीज़ें सिमटने लगी लोगों का गांव से शहरों की तरफ रोजगार के लिए पलायन हो गया और आज हम देखते हैं कि वापस इस कोरोना के काल में मटकों की डिमांड हो गई गमछों की डिमांड हो गई तो ऐसी जो इस तरीके की जो अपनी चीजें थी जिससे छोटा व्यापार छोटा गांव, छोटा उद्योग धंधा पनपता था तो प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं क्योंकि भारत ऐसा लगता था कि हम लोग अभी तक इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट थे एक्सपोर्ट कम था और इसलिए कहा कि पर निर्भर भारत है तो उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर होगा और हम लोग जो हमारा जो ब्रांड है वो खुद का अपना ब्रांड होगा इसलिए उसको लोकल को ग्लोबल ये कंसेप्ट है मुझे लगता है कि धीरे धीरे भारत उस दिशा में जाएगा कि भारत की अपनी एक ताकत होगी उदाहरण के तौर पे अभी कोरोना के कालखंड में पीपीई किट नहीं बनता था भारत में जी। और ऐसा नहीं था कि भारत के लोग बना नहीं सकते थे पर उस तरीके की दृष्टि किसी ने नहीं दी प्रधानमंत्री ने दी तो आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा पीपी किट उत्पादक देश बन गया जो कोरोना के कालखंड में सबसे जरूरी उपकरण था तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया तो इस कोरोना के काल में भी आत्मनिर्भर भारत के रूप में जो इस समय की आवश्यकताएं हैं उस क्षेत्र के उपकरण भी भारत बहुत बड़ी संख्या में बनाने लगा है और वास्तव में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने स्वदेशी के प्रति जो आग्रह किया स्वदेशी के प्रति जो देश को जागरूक किया लगभग उसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेड इन इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से देश के नागरिकों को एक बार पुनः स्वदेशी के प्रति जागृत कर रहे हैं स्वदेशी का विषय जब आता है सतीश जी तो इस समय जैसी स्थितियां चाइना बॉर्डर पर बनी हुई हैं अनेक सामाजिक संगठन भी स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं चीन के साथ जिस प्रकार से तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं उन स्थितियों को लेकर और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत को लेकर क्या कहना चाहेंगे देखिए दो पक्ष हैं मैंने जैसे कहा कि बड़ा कंज्यूमर मार्केट था और लगभग मैं देखता था कि उदयपुर की लकड़ी के खिलौने का बाजार सीमित हो गया और चीन के और खिलौने उस बाजार में आ गए इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने आइटम थे वो भर गए मोबाइल का लगभग नब्बे प्रतिशत मार्केट और मैं कई बार देखता था कि देवी देवताओं की मूर्ति भी चाइना से आने लग गई पतंग की डोर और पूरा इस तरीके से जो भारत में बन सकता था मुझे लगता है कि आ, दो पक्ष कि आ, कई बार परिस्थितियां जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा जो है वो अवसर भी है और शायद कोई नियति थी जिसने ये अवसर उपलब्ध कराया भारत के लोगों को भारत के व्यापारियों को भारत के उपभोक्ताओं को जब स्वदेशी जागरण मंच के लोग कदाचित ये कहते थे कि चीनी उत्पादों के बारे में ध्यान रखें कि मैं देखता था गुलाल से लेके पटाखे से लेके कोई चीज बची नहीं थी ये बन सकती है बनती थी लेकिन लोगों को सस्ती सुलभ और इस तरीके का एक नीति के साथ जब चीन के उत्पादों का आगमन हुआ तो लोगों ने उसको हाथों हाथ सहज तरीके से लिया जो चीन के साथ तनाव की बात है वो तनाव एक किस्म से हमारी विदेश नीति की उस कमजोरी का हिस्सा है जो 47 से सैंतालीस से, से फिर 48 में गड़बड़ हुई कबाइलियों का आक्रमण हुआ लेकिन बासठ में जब चीन का आक्रमण हुआ तो वहां हमारी फौज नहीं आ रही थी ये कहा जाता कि हमारे कभी नहीं आ रहे थे उन्नीस में नेहरू पंडित नेहरू की जिस तरीके की विदेश नीति थी और हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगा नेहरू जी कार चाऊन लाई के बारे में जिस तरीके से नारे लगते थे तो अब जो बासठ में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ तो फौज नहीं आ रही थी राजनीतिक इच्छा शक्ति आ रही थी राजनीतिक नेतृत्व तो आ रहा था मैं मान ही नहीं सकता कि भारत की फौज हार सकती है और आज भी अब ये भारत बासठ का भारत नहीं है ये 2020 का भारत है और इसलिए 2020 के भारत की सेना के पास भारत की राजनीतिक नेतृत्व के पास वो सारी ताकत वो सारी इच्छा शक्ति वो सारे संसाधन है इसलिए बाकी तो मुझे लगता है कि सामरिक महत्व का विषय मैं बहुत ज्यादा इसमें आ, कुछ कहूंगा नहीं लेकिन ये जरूर मैं भरोसा कर सकता हूं कि हमारी भारत की फौज आज पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है और चीन को ये तकलीफ इसलिए हुई कि आज हम लोग आधुनिक तरीके से सुसज्जित हुए सियाचिन जो भारत की इस समय सामरिक दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है वहां भारत ने टैंक उतार दिए वहाँ हेलीकॉप्टर्स उतार दिए वहाँ एयरक्राफ्ट उतार दिए तो सामरिक तौर पर चीन को एक असुरक्षा महसूस हुई उसी का नतीजा गलवान की घटना है तो सतीश जी का यह भी कहना है कि जब बासठ में स्थितियां थी उस समय स्थितियां अलग थी आज की स्थितियां अलग है और यह भी कहा जा सकता है कि उस समय हम शांति मंत्र गाते रहे और वे श्वेत कबूतर खाते रहे उस प्रकार की स्थितियां लेकिन आज नहीं है सेना का मनोबल आज भी ऊंचा है उस समय भी ऊंचा था गलवान में जिस प्रकार की स्थिति हुई उसका भी मुँह जवाब दिया गया और सतीश जी जैसे हम देखते हैं तो कुछ वर्ष पहले डोकलाम में भी चाइना ने जिस प्रकार से संघर्ष किया क्या ऐसा लगता है कि डोकलाम में जिस प्रकार से घटना हुई और उस घटना में केंद्र सरकार की मजबूती और सेना के साहस इन दोनों का जो सामंजस्य हुआ उसके कारण चीन को पीछे हटना पड़ा क्या चीन अभी तक भी सबक नहीं ले पाया है और उसी दौर में जब हम देखते हैं तो देश के अनेक विपक्षी दल तमाम तरह के आरोप लगाते हैं और जब राजनीति उसमें चलती है तो ये भी कहा जाता है कि एक दल के कुछ नेता चीन के राजदूत से अलग से मिलते हैं चर्चा होती है किस प्रकार का माहौल बनता है क्या ऐसे विषयों पर इस प्रकार की राजनीति करना उचित है नहीं कतई उचित नहीं है और इस तरीके के आचरण को देश देखता है क्योंकि जैसे कोरोना की महामारी को सबने मिलकर लड़ा जी। और जब कोई विदेशी भारत के मामलों में दखल देता है तो हम किसी भी दल के हों किसी विचार के हों लेकिन हमारे लिए देश पहले है देश की प्राथमिकता है और इसलिए इन चीज़ों से कतई परहेज किया जाना चाहिए लेकिन अफसोस की बात है कि क्योंकि उनकी सोच हमेशा चीन परस्त रही चीन की नीति ये रही कि चीन जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनसे चीन को खतरा है क्योंकि लोकतंत्र की जब आहट उनके यहाँ सुनाई देती है तो उनके भीतर एक अकुलाट दिखती है जो थेनमैन चौक पर बरसों पहले हुआ आ, उस बड़ी आबादी के और विभिन्नताओं के देश में जिस तरीके से एकदम से हम देश की विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बने और जिस तरीके से हमारी सेना आधुनिक हुई सेना मजबूत हुई लोकतंत्र हमारा मजबूत हुआ तो सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ तो चीन को थी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसी पार्टी के जो जिन्होंने पचपन वर्षों तक राज किया और उन्हीं पार्टी के सर्वे सर्वा जब कोई वहाँ के दल के लोगों से एमओयू करते हैं तो आज नहीं तो कल जनता जवाब मांगेगी मांगेगी जिस तरीके से ये कहते हैं कि वो जो बात करते हैं कि भारत की फौज कमजोर हो गई वो प्रधानमंत्री के नाम से जो अपने देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को नहीं पहचान सकते वो नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक तरीके की राजनीतिक तौर पर मानसिक दिवालीपन किसी जैसी बात मुझे लगती है तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की इमेज केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में जिस प्रकार से बनी हुई है और विदेशों में जिस प्रकार से उन्होंने विदेश यात्राएं की और उनका विभिन्न प्रकार से हम देखते हैं अनेक देशों में जब संकट आया और भारतीयों को वहां से वापस लेकर आए उस समय भी पूरे विश्व ने नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता का लोहा माना और चीन को जिस प्रकार से डोकलाम में धकेला उसी प्रकार से अभी भी मुंह जवाब दिया गया इसे हम कह सकते हैं कि कुशल नेतृत्व और सेना का साहस इसका जो अद्भुत संगम है इसी के कारण भारत पुनः सामरिक दृष्टि से और सेना की दृष्टि से भी मजबूत हो रहा है साहस की दृष्टि से भी कहीं कम नहीं है एयर स्ट्राइक भी जब आवश्यकता हुई उस समय की गई सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई लेकिन इस समय सतीश जी हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे कि पिछले लगभग महीने से कोरोना के विरुद्ध पूरा विश्व लड़ाई लड़ रहा है इन परिस्थितियों में भी शुरुआत में जब भारत में कोरोना आया और लॉकडाउन की स्थितियां बनी और उसके बाद में जो स्थितियां बनी तो पूरा विश्व एक आशा भरी निगाहों से भारत और देखने लगा क्या लगता है केंद्र सरकार ने ठीक समय पर ठीक प्रकार के निर्णय किए उसके कारण कोरोना को देश में बढ़ने में समय लगा क्या कहना चाहेंगे क्या ठीक प्रकार से स्थितियों को संभाला गया देखिए जो इस तरीके की महामारी की जो एक पिछला इतिहास है वो लगभग सौ वर्षों में दोहराया जाता है ऐसे ही लगभग 100 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू आया उससे पहले कोई हैजा आया कॉलरा आया तो तो पूरे दुनिया के सब देशों में और इस तरीके से इस वायरस का आक्रमण ये अपने आप में बड़ा अद्भुत था और बड़ा विचित्र था पूरे विश्व के लिए एक संकट का कारण था दुनिया के 200 दो सौ देशों ने किसी की आबादी बहुत कम है कहीं घनत्व कम है कहीं उनकी एक क्षेत्रफल कम है उनके पास संसाधन ज्यादा हैं आज हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था यानी कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था जैसे मैंने पीपी -पी किट का जिक्र किया लोग पीपी -पी किट को शब्दों से नहीं जानते थे पीपी -पी किट होता क्या है मास्क ये हमारे व्यवहार में नहीं थे आ, तो 135 करोड़ के देश को बांधे रखना क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कोरोना की एडवाइजरी है कि आप घर से नहीं निकलें निकलें तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग फेस मास्क सैनिटाइजर्स तो भारत का व्यक्ति इस तरीके के आइजीन का इस तरीके की प्रतिबंधों का आदि नहीं था लेकिन यह चमत्कार हुआ मैं देखता था कि दुनिया के कई देशों में इसलिए लोग संक्रमित हुए कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति की मेयर की बात नहीं मानी मैं देख रहा था एक मिशिगन में अमेरिका में मेयर के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया कि हम लॉकडाउन की अनुपालना नहीं करेंगे ये अद्भुत है यदि मोदी जी के अलावा कोई और व्यक्ति होता तो शायद भारत की जनता इस रूप में स्वीकार नहीं करती तो ये बड़ी बात है कि 135 करोड़ के लोगों को लॉकडाउन के जरिए उनको बांधना और संक्रमण से बचाना यदि आप तुलना देखेंगे तो 135 करोड़ के देश में जिस तरीके के केसेज हैं और जो मृत्यु दर है वो दूसरे देशों के अनुपात के मुकाबले काफी कम है इसलिए निश्चित रूप से लॉकडाउन का जनता कर्फ्यू का ये जो फैसला था वो बहुत मजबूत फैसला था जिसको लोगों ने स्वीकार किया और धीरे धीरे जिस तरीके के उपाय हमने शुरू किए उसी का कारण है कि आज भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बना है दुनिया ने भारत की इस महत्व को समझा है सतीश जी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही साथ में आप जनप्रतिनिधि भी हैं आप विधायक भी हैं इस दौर में जब कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है क्या कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों की क्या कुछ विशेष जिम्मेदारी बन जाती है इस दौर में निश्चित रूप से ये एक ऐसा समय था जैसे महामारी थी और ऐसे तकलीफ और आपदा के अवसर पर लोग देखते हैं कि उनका नेता उनके बीच खड़ा कि नहीं खड़ा मुझे खुशी है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में भी मेरी पार्टी के दल के सांसद और विधायक और पार्टी के जितने तमाम लोग हैं और इसलिए मैं जब हम लोगों ने बहुत पहले से जब इसकी आहट शुरू हुई हमें केंद्र से मुझे ताजुब हुआ कि सत्ताधारी दल के केंद्र के लोग सरकार अपनी व्यवस्था करती है लेकिन पार्टी की तरफ से हमें निर्देश थे कि आपको अच्छी व्यवस्थाओं के अनुरूप लोगों के बीच में काम करना है तो मुझे खुशी है कि मेरे दल के लोगों ने केवल राजनीतिक नहीं सामाजिक सरोकारों से जुड़ के काम किया अद्भुत काम किया और यही कारण था कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी ने जो कोविड से लड़ने के लिए जो पीएम केयर फंड जो बनाया उसमें पचास करोड़ का अंशदान कार्यकर्ताओं ने सौ सौ रुपए इकट्ठे करके और इतना बड़ा अंशदान किया मुझे लगता है कि बहुत प्रतिबद्धता के साथ लोगों ने काम किया एक करोड़ नब्बे लाख लोगों तक भोजन के पैकेट और लगभग एक करोड़ लोगों तक सूखी राशन सामग्री इसी तरीके से लगभग एक करोड़ लोगों तक फेस मास्क और लगभग पचास लाख लोगों तक सैनिटाइजर्स का वितरण ये किसी राजनीतिक दल मुझे, मुझे कल्पना नहीं थी कि मैं कर पाऊंगा या मेरे लोग कर पाएंगे लेकिन मुझे खुशी है एक किस्म का जॉब सेटिस्फैक्शन है कि जनता ने हमसे जो अपेक्षा रखी वो हम पूरी कर पाए जी। तो निश्चित रूप से लोगों ने इस चीज को देखा है इस चीज की तुलना करी है कि कौन उनके बीच में रहा किसने कब मदद करी तो इस आपदा में जिसने मदद करी जनता उसको सम्मान भी देगी और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों की ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी कि वो उनके बीच में रहते और अभी भी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है क्योंकि जिस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं जमीनी तौर पर कमजोर हैं उनको दुरुस्त करने का समय तो जनप्रतिनिधि उसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं सतीश जी जिस प्रकार से देश में लॉकडाउन लागू किया गया उसको लेकर और उसके बाद में जिस प्रकार से सड़कों पर मजदूरों की बड़ी भारी संख्या मीडिया के माध्यम से दिखाई गई और कुछ विपक्षी दलों के नेता इस प्रकार के भी बयान देते रहे कि सरकार ने बिना तैयारी के लॉकडाउन किया इस प्रकार की जो चीजें हैं सामान्य रूप से राजनीति में विरोधी दल करते रहते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पांच लाख के आसपास लगभग संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है प्रदेश में चूंकि आप विपक्ष में हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार है और आपने बताया कि आपके दल ने इस प्रकार से सेवा कार्य भी किए क्या यहाँ की प्रदेश की सरकार ने आपसे राजनीतिक विषयों को अलग रखते हुए सेवा कार्य किस प्रकार से बढ़ाए जाए इन विषयों पर भी कोई चर्चा हुई नहीं हमने पहल करी 27 मार्च को हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और हमने उनको प्रस्ताव किया था कि इस महामारी में हम आपके साथ हैं जी। दो अप्रैल को हम अधिकारियों के साथ बैठे और हमने अपने सजेशन सरकार को दिए लेकिन मुझे लगा धीरे धीरे कि सरकार की सोच बहुत राजनीतिक होती चली गई उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर आक्षेप शुरू किए उन्होंने केंद्र की सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए तो हम ये समझ पाए कि सरकार अपनी गलतियां छुपाने के लिए और केंद्र सरकार पर एक तरीके का झूठा इल्जाम लगा रही है तोमत लगा रही है जनता को राजस्थान की जनता को भ्रमित करना चाह रही है जबकि केंद्र की सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार ने जो सहकारी संघवाद है उसकी सम्मान करते हुए यहां की सरकार को कोविड के लिए पूरे तरीके से फंडिंग करी पूरे तरीके से सपोर्ट किया लेकिन इस सरकार की नीति अपीजमेंट की थी और इस अपीजमेंट के कारण ही प्रदेश में गलत संदेश गया एक बस्ती में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ उसने 400 को किया नतीजा ये निकला कि उस संस्था के उस संक्रमण के कारण तबलीगी के उस मूवमेंट के कारण हम लोग कहते रहे लेकिन प्रदेश के उनतीस जिले संक्रमित हुए इस सरकार ने उस अपीजमेंट के कारण राजस्थान की जनता का जीवन खतरे में डाल दिया उस कौम का भला भी नहीं किया इसी तरीके से राशन के वितरण की भेदभाव की राजनीतिक शिकायतें आती थी ऐसे अवसर पर मुझे लगता है कि बिना निरपेक्ष तरीके से उसका वितरण किया जाना चाहिए पर यह सरकार नहीं कर पाई जो स्क्रीनिंग सैंपलिंग और टेस्टिंग होनी चाहिए थी अस्पतालों को और क्वारेंटाइन सेंटर को जैसे विकसित किया जाना चाहिए था ये सरकार नहीं कर पाई तो मैं तो एक शब्द में कहूं तो कोरोना के प्रबंधन में सरकार पूरे तरीके से विफल हुई सतीश जी एक चर्चा है भी आई कि जिस समय कोरोना राजस्थान में आया भीलवाड़ा में एक प्रकार से एपिक सेंटर बना और भीलवाड़ा में जिस प्रकार से संक्रमण फैला उसे राज्य सरकार ने प्रदेश सरकार ने ठीक प्रकार से संभाला तो उस दौर में पूरे देश में भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हुई लेकिन उसके कुछ समय पश्चात जयपुर के रामगंज में फिर से संक्रमण का एक प्रकार से विस्फोट हुआ उसको लेकर तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ने सामाजिक संगठनों कई तरह के आरोप लगाए और यह भी बात हुई कि भीलवाड़ा मॉडल मॉडल का जिस प्रकार प्रकार से से प्रचार प्रसार हुआ रामगंज पर उस प्रकार से चर्चा नहीं हुई क्या कहना चाहेंगे देखिए भीलवाड़ा के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन सबसे पहला कारक तो वहां की जनता थी जिन्होंने एक अनुशासन रखा किसी दूसरे व्यक्ति को बस्ती में प्रवेश नहीं करने दिया अपने आप को लॉकडाउन की परफेक्ट पालना की वहां की ब्यूरोक्रेसी वहां की जो लोकल ब्यूरोक्रेसी थी और उससे ज्यादा मैं मानता हूं कि जो चिकित्सा कर्मी स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर्स और खासतौर पर पुलिसकर्मी इन सब लोगों ने जनता के साथ मिलकर वहां एक अनुशासन तय किया इसलिए वो भीलवाड़ा मॉडल हुआ उसमें सरकार की मुख्यमंत्री की चिकित्सा मं, मंत्री की कोई भूमिका नहीं है यदि ऐसा होता तो जयपुर से निकल के और वो उस ढाई सौ सौ किलोमीटर का सफर तय करके उनकी हौसला अफजाई करते लेकिन भीलवाड़ा मॉडल की अपनी खुद की पीठ थपथपाने की कोशिश की दुनिया को जताया पर वो रामगंज में चुप हो गए वो कबूतरों के चौक जोधपुर में अपनी कॉन्स्टिटेंसी में चुप हो गए वो कोटा के मकबरे में चुप हो गए तो मुझे लगता है कि इसको उन्होंने केवल एक नजरिए से देखा कि जो अच्छा हुआ वो हमने किया और जो बुरा हुआ वो जनता लापरवाह थी ती जी एक चर्चा ये भी करना चाहेंगे अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए हैं और जून के महीने में ही इस देश ने आपातकाल भी देखा है जून के महीने में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी बलिदान दिवस आता है और जून के महीने में ही जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव हुआ और वो पूरे देश ने देखा जिस प्रकार से एक प्रकार से ये कहा जा रहा था एक साथ बहुत अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो फिर भी विधायकों की बाड़ेबंदी होती है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र पर खतरा है लोकतंत्र की मजबूती आवश्यक है क्या कहना चाहेंगे देखिए चुनाव जब कोविड की बहुत ज्यादा आक्रामकता थी उस समय चुनाव स्थगित हुए थे और उस समय पार्लियामेंट चल रही थी पार्लियामेंट भी स्थगित होगी पूरे देश भर के चुनाव स्थगित हुए जी। मैं सुन रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चुनाव टाल दिए गए और कोई होर स्टेडिंग होने की संभावना थी जबकि खुद राजस्थान की सरकार ने दो बार निगम के चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टाले चुनाव आयोग को एफिडेविट दे और उसमें हलफनामा दिया कि कोविड के कारण चुनाव हम नहीं करवा सकते जी। दूसरी तरफ जब ये चुनाव हुए और मुझे लगता है कि जिस तरीके की संख्या बल था उनको दो सीट जीतनी थी एक सीट हमें जीतनी थी पर लोकतंत्र की दुहाई के नाम पे और जिस तरीके से दुष्प्रचारित किया गया तो हम तो स्वाभाविक तरीके से कहते ही थे कि जिस एक तरफ तो कोविड में मरने वालों की संख्या 300 पार कर गई थी जी। और पिछले 10 दिन से लगातार पूरी सरकार एक रिसोर्ट में सात सितारा रिसोर्ट में पूरे बंधक थी आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कैसे राजस्थान की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया और केवल इतना नहीं वो जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उनका इतिहास बताता है कि 2008 और 2018 दोनों बार उन्होंने बीएसपी को जिस तरीके से अपने साथ मिलाया और इस बार तो पूरी पार्टी को मर्ज किया तो कोई बता दे कि उस जेडब्ल्यू मेरिट में सत्संग करने गए थे क्या दस दिन के लिए या वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं हम तो एलिफेंट ट्रेडिंग की बात करते हैं कि 18 में ऐसा हुआ जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं वो शायद भूल जाते हैं कि 45 बरस हो गए आज से 45 बरस पहले इस देश में उन्नीस जून उन्नीस को आपातकाल लगा था आजादी के बाद ये लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला था जिसमें 19 महीने तक लोगों ने यातनाएं झेली जेल गए प्रताड़नाएं हुई और एक तरीके से जो आज हम चर्चा कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध हो गया लोगों की स्वतंत्रता पर लोगों की समानता पर लोगों की अभिव्यक्ति पर विचारों की स्वतंत्रता पर पूरे तरीके से पहरा हो गया वो जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि नौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली जी तो डॉक्टर सतीश पूनिया जी का यह भी कहना है कि वास्तव में जिन लोगों ने लोकतंत्र पर आघात किए हैं वही लोकतंत्र की मजबूती की झूठी बातें आज के इस दौर में फैला रहे हैं सतीश जी हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार का जिस प्रकार से एक वर्ष हुआ है पहले पहला जो टर्म था मोदी वन उसमें आधारभूत ढांचा तैयार किया गया मोदी टू में विचारधारा को आगे बढ़ाने के काम का जो है। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना ने हम कह सकते हैं थोड़े ब्रेक लगा दिए इस दौर में सबसे अधिक परेशान यदि मजदूर और किसान हुआ है इस प्रकार की बातें भी कही जा रही हैं उस मजदूर और किसान को मजबूत करने के लिए क्या कुछ और किया जाना आवश्यक है प्रधानमंत्री जी ने जो जनता की मनोभावना के अनुरूप जो बड़े फैसले किए कोविड के दौरान ही क्योंकि लॉकडाउन हुआ जो दिहाड़ी मजदूर थे उनको संकट खड़ा हुआ जो छोटे धंधे करते थे उनको संकट हुआ तो एक पहले उन्होंने एक लाख सत्तर हजार करोड़ की एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को उन्होंने शुरू किया उसमें गरीब को पाँच किलो गेहूँ एक किलो दाल ये उन्होंने जो एन से जो खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े थे। उनको भी वितरण की बात कही कुछ और प्रावधान किए जिससे उनको संबल मिला लेकिन जो 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 दूसरा बड़ा जो ताकत उन्होंने दी उसमें 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत अभियान था जिसकी चर्चा शुरुआत में हम लोगों ने करी लेकिन ये आत्मनिर्भर भारत अभियान ये उन मजदूरों के लिए श्रमिकों के लिए भी था आ, वो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए भी था और किसानों के लिए भी था उदाहरण के तौर पर किसानों को एक ढाई करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से दो लाख करोड़ का एक ऐसा संबल देने की कोशिश की इसी तरीके से नाबार्ड के जरिए किसानों को और ज्यादा मजबूती देने की बात की गई इसी तरीके से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं रेडी ठेला पटरी ऐसे पचास लाख लोग हैं देश में जिनका रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया जो रोजमर्रा की दिनचर्या जिनकी उस पर निर्भर थी ऐसे लोगों को दस हजार का तात्कालिक ऋण बिना किसी सिक्योरिटी के अभी मुझे लगता है कि इस महीने उसकी लॉन्चिंग हो जाएगी पूरे देश भर के उन लोगों को संबल मिलेगा आ, जो पशुपालक हैं किसानों के साथ साथ क्योंकि हमारे यहाँ बावन प्रतिशत लोग अभी भी खेती और उससे ऊपर उप, धंधों पर निर्भर हैं हमारे यहाँ तरेपन करोड़ पशुधन है उस पशुधन के वैक्सीनेशन का एक बड़ा काम होगा क्योंकि खुरपका और मुंह के कारण देश के किसानों के बहुत सारे पशु ऐसे कालकल्बित हो जाते थे एक बड़ा संबल उससे मिलेगा जो फॉरेस्ट है जिसमें खासतौर पर ट्राइबल है 6000 हजार करोड़ के कैंपा का अभियान सिर्फ उनके लिए लागू किया गया वृक्षारोपण भी होगा वनों की मजबूती का जिसमें काम होगा इनको रोजगार मिलेगा इसी तरीके से नरेगा की जो मजदूरी थी एक सौ रुपए थी दो हुई और चालीस करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान हुआ तो पूरे तरीके से मैं ये समझता हूं कि एक बड़ा संबल देने का जो हमारे यहाँ एमएसएमई है लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं और खासतौर पर ऐसी मैं राजस्थान का जिक्र करूं तो लगभग ऐसी साढ़े चार लाख से भी ज्यादा यूनिट्स हैं जिसमें छब्बीस लाख के के करीब लोग रोजगार पाते हैं भारत में भी जी का तीस प्रतिशत जो है वो एम के जरिए है और ग्यारह करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है तो कुल मिलाकर ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो समग्र तरीके से मजदूरों के लिए श्रमिकों के लिए और अभी प्रधानमंत्री जी ने बिहार से जिस योजना को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान जिसमें 116 जिले 22 जिले राजस्थान के ऐसे 8 करोड़ मजदूरों को 125 दिन रोजगार देना सुनिश्चित किया है और उसकी शुरुआत इसी महीने हो जाएगी तो ये जो माइग्रेंट लेबर हैं जिसकी चिंता बराबर कर रहे थे और जिसकी चर्चा बहुत मीडिया में खूब हुई विपक्षी ने खूब उन्होंने उठाया लेकिन मुझे लगता है कि सरकार संकल्पित है क्योंकि बड़ा देश बड़ी चुनौती और इस ऐसी एक विकसित होती अर्थव्यवस्था के साथ में ये एक बड़ी त्रासदी थी कि किस तरीके के सीमित संसाधनों में इतने बड़े देश को हम संभालेंगे पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के योग्य नेतृत्व ने सरकार ने जो उपाय किए हैं मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से सब तबके को एक संबल देंगे तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब श्रमिक मजदूर और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है संकल्पित है और इसी दिशा में कृषि पशुपालन मत्स्य पालन, पालन मधुमक्खी पालन और हर्बल खेती इस प्रकार के जो काम हैं इनको भी लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है विशेष पैकेज इनको दिए जा रहे हैं और जागर जागरूकता भी इस दिशा में लगातार लाई जा रही है सतीश जी आखिर में आपके माध्यम से हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कोई संदेश जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई हैं किस प्रकार की

भारत का आम आदमी उसका जीवन सुरक्षित होगा तो हम अर्थव्यवस्था को भी बचा लेंगे इसलिए वो कहते थे जान है तो जहान है पर उस समय कोविड के बारे में कहा जाता था कि घर में रहें सुरक्षित रहें लेकिन अब उन्होंने कहा कि जान है जान भी है और जहान भी है यानी हमें घर से तो निकलना है लेकिन घर से निकलने के लिए कोविड की जो चुनौतियां हैं वो अभी भी बरकरार हैं खतरा टला नहीं है इसलिए तीन बातें खास तौर पे कही जाती है मुझे लगता है कि जिसकी अनुपालना जो मुझे सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों सामाजिक लोग हों आम लोग हों तो उसमें जो पहला काम घर से निकलें जरूरी हो तो निकले और घर से निकलें तो इस फेस कवर का जैसे मैंने अभी तो मजबूरी के कारण उसको उतारा लेकिन इसको लगा के रखिए और सैनिटाइजर्स का साबुन से बेहतर तरीके से हम बराबर हाथ धोते रहें आ, सोशल डिस्टेंसिंग ये जरूरी है जिस तरीके से हम लोग भीड़ भड़कके के आदि थे राजनीतिक लोग ज्यादा थे लेकिन आम लोगों में भी एक आदत थी मुझे लगता है कि इस सावधानी का ध्यान रखेंगे तो कोरोना को हम लोग जल्दी हरा पाएंगे तो डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने हमें जिस प्रकार से बताया हमारे से चर्चा की और चर्चा में मोदी वन और मोदी टू का भी तुलनात्मक रूप से इन्होंने विवेचन किया विश्लेषण किया जिस प्रकार से आधारभूत संरचना की भी बात की और विचारधारा की भी बात की इन्होंने कोरोना के इस दौर में जिस प्रकार से इनकी पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो भी बताया और अन्य समा सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं और क्या कुछ किया जाना चाहिए उन पर भी चर्चा की चाइना से के बॉर्डर पर जिस प्रकार से तनाव की स्थितियाँ उन परिस्थितियों में भी देश की क्या स्थिति रहनी चाहिए विपक्षी दलों की क्या भूमिका रहनी चाहिए आपातकाल को लेकर जो चर्चाएं हुई लोकतंत्र की मजबूती की जो चर्चाएं हुई इन्हीं तमाम विषयों पर केंद्र सरकार का एक वर्ष और वर्तमान परिस्थितियां इन सभी विषयों पर डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने हमारे से चर्चा की आप हमारे स्टूडियो में पधारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद नमस्कार